नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और गुड गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और बता दो मेरे भाई, यहाँ किसी प्रकार की आपको कोई समस्या तो नहीं है, है ना। वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई समस्या तो नहीं है? वॉइस क्लियर है क्या? चलेगा, तो मेरे को यहाँ बता दीजिएगा वॉइस वगैरह का। चलो, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल का रिवीजन, है ना। और महारिवीजन नाम से मैं यहाँ क्लास लेकर आया हूँ, और आप लोगों को एक ही वीडियो में, है ना। हाँ, एक ही वीडियो में दोस्तों, यहाँ मैं फंडामेंटल कंप्लीट रिवीजन कराने जा रहा हूँ, है ना। एक ही वीडियो में कंप्लीट फंडामेंटल आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल रिवीजन हो जाएगा, चलेगा। तो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीन बढ़ा लेता हूं ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना जी। चलेगा, आर यू रेडी गाइस? क्या आप रेडी हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, यस सर आई एम रेडी। फटाफट से मुझे कमेंट करके कमेंट बताइएगा, यस सर आर यू रेडी गाइस। चलो जी यार, रेडी होने से पहले आप लोगों को यार थोड़ा क्लास को शेयर करना पड़ेगा ताकि यहाँ बच्चे ज्यादा से ज्यादा आ जाएं यार, है ना। तो शेयर तो करना पड़ेगा यार, बिना शेयर करे काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो यार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां कर सकते हैं, दोस्त यार भाइयों के पास भेज सकते हैं, वहां वहां भेज दीजिएगा, है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे भाई, है ना। तो पहले थोड़ा शेयर कर डालो यार, है ना। स्टेटस लगा दो, मैंने भी स्टेटस लगा दिया है, आप भी फटाफट से स्टेटस लगा दीजिएगा, स्टोरी लगा दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां लगा सकते हैं वहां वहां लगा दीजिएगा, है ना। यस, कृतिका ने शेयर कर दिया है, आप लोग भी यार शेयर कर दीजिएगा, चलेगा। तो मैं शुरुआत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेरे दोस्तों, वो फंडामेंटल है। दोस्तों आपको पता है फंडामेंटल से कितने सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल से अगर हम बात करें, कम से कम 50% जो क्वेश्चन होंगे, यानी जो 52 प्रश्न में से कम 20 से 25 जो क्वेश्चन होंगे वो मेरे भैया फंडामेंटल से ही देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो हम फंडामेंटल के रिविजन को छोड़ नहीं सकते हैं। और आपका भाई वादा करता है, अगर ये वीडियो आपने एक देख लिया है, ये वीडियो फंडामेंटल का अगर आपने रिवीजन कर लिया, तो आपको आपके मेन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। और यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा, है ना। आप एक बार कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जरूर बता देना, यस सर आपके क्वेश्चंस बने थे या फिर आपके क्वेश्चंस आए थे, ये जरूर एक बार बता दीजिएगा। चलो जी, तो मैं यहां सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। हिस्ट्री से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, है ना। हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं तो यहाँ आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ, जो 1986 के अंदर बनाया गया था, है ना। चलो जी, अब यहां बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। और हमारा दोस्तों लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है, कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो यहाँ है परम सिद्धि AI। यहाँ AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। परम सिद्धि AI एकमात्र इंडिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसके अंदर AI का प्रयोग किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है। वो एक हमारा सब पहला कंप्यूटर है जिसे बोलते हैं परम सिद्धि AI, ठीक है जी। और इसका जो डेवलप है वो IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका स्पीड जो है 8.3 पैटा
फ्लॉप्स होता है। इससे पहले इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था वो था दोस्तों प्रत्युष, जो IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रो और मेट्रोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा बनाया गया है ना, यानी IISc के द्वारा इसको बनाया गया है। चलो जी, कम से कम यार यहाँ 50 बच्चे तो हो ही जाए यार, तो थोड़ा शेयर कर डालो यार मेरे दोस्तों क्लास को, है ना, चलेगा। और हमारा जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है ना, अभी सॉरी क्षमा चाहता हूँ, दुनिया का अभी हाल ही में जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। ये भी AI बेस्ड है ना, ये AI बेस्ड है, यानी ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और इसकी स्पीड 1.102 एक्सफ्लॉप्स है, और ये USA का है, जो 2022 में बनाया गया था। 2022 से दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू था, जो जापान का था, ठीक है, जापान का था, जिसकी स्पीड पैटा फ्लॉप्स थी, है ना, और रेकेन एंड फुजित्सु के द्वारा इसका डेवलप किया गया था। किसका मेरे बच्चा, यहां बात है सिंपल सा फुगाकू का, ठीक है। चलो जी, अवेकस से रिलेटेड बात ही याद रखनी है कि भैया अवेकस का डेवलप टिम क्रैनमर, क्या है, टिम क्रैनमर व्यक्ति थे चीन के, जिसके द्वारा अवेकस का डेवलप किया गया था। और अवेकस हमारा एक ऐसा पहला कंप्यूटर था, सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी, तो दोस्तों वो था अवेकस, ठीक है, चलेगा। आगे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलेगा। सुनो, नेक्स्ट अगला है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, नेपियर का, जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर बोन्स का डेवलप किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ हिस्ट्री से पैसे जहां से प्रश्न आएगा वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जहां जहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे वही वही चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी की चीजें मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, यहां से डिफरेंशियल इंजन से प्रश्न आ सकता है। कहां से प्रश्न आ सकता है दोस्तों, डिफरेंस इंजन से प्रश्न आ सकता है। डिफरेंस इंजन का डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो चार्ल्स वेबेज के द्वारा किया गया है ना, जो डिफरेंस इंजन होता है इसका डेवलप चार्ल्स वेबेज के द्वारा 1822 में किया गया है, ठीक है जी, 1822 में, है ना। देन इसके बाद चार्ल्स वेबेज के द्वारा ही डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन का डेवलप भी किया गया है ना। देखो जी, पहले चार्ल्स वेबेज ने 1822 में डिफरेंशियल इंजन का डेवलप किया गया, लेकिन डिफरेंशियल इंजन उतना सक्सेस नहीं हुआ, फिर उनके सक्सेस वो नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डेवलप किया गया, और एनालिटिकल इंजन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, और ये जो है वो चार्ल्स वेबेज के द्वारा ही इसका डेवलप किया गया था 1833 में, और ये हमारा गुणा भाग जोड़ ये सारी चीजें ये करता था। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए, यानी दुनिया का पहला ये ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, मेरे शेर और सिरनिया, यस मेरे शेर सिरनिया, है ना, ये दुनिया का पहला फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था, और इस कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखे थे वो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा, लेडी एडा अगस्टा नाम की एक हमारे चार्ल्स वेबेज की असिस्टेंट थी, उसके द्वारा ये लिखा गया था, है ना। और आगे बढ़ते हैं, और बाकी की चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, एक यहाँ है ENIAC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर कहता है। अच्छा जी, अगर एक दोनों ऑप्शन में आ जाए, कंप्यूटर भी ऑप्शन में आ जाए और कैलकुलेटर भी ऑप्शन में आ जाए, तो आपको किसको टिक करना चाहिए, तो देखो जी वहां कंप्यूटर को आपको प्रेफरेंस देनी है ना, कैलकुलेटर को आपको वहां प्रेफरेंस नहीं देनी है, ठीक है, कंप्यूटर को प्रेफरेंस आपको देनी है वहां पर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, EDSAC जो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर कहता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है, मॉरिस एन विल केस नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका डेवलप किया गया। और अभी हाल ही में जो मैंने फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आपको बताया था EDSAC, इसका डेवलप भी दोस्तों है ना, अभी हाल ही में मैंने आपको कंप्यूटर बताया था EDSAC, इसका डेवलप जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर के द्वारा किया गया था, है ना। और EDVAC का डेवलप भी जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर है, यूनिवैक का डेवलप भी जॉन मोचले एंड जे प्रेस्पर है, और यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है जी, चलेगा। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं यहाँ, है ना,
हो सकता है शायद कोबुल का फुल फॉर्म आपका आ जाए, तो कोबुल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है जो ग्रीस मोरी के द्वारा 1959 में डेवलप किया गया है ना। स्टोरेज का डेवलप जो है 1970 में किया गया, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का डेवलप 1971 में हुआ, स्प्रेडशीट प्रोग्राम पहला जिसे बिगी कैल्क कहते हैं है ना। चलो जी, एप्पल कंप्यूटर का डेवलप जो है स्टीव जॉब्स के द्वारा 1977 में किया गया था है ना, 1977 के अंदर किया गया था। चलेगा, मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप मेरे दोस्तों 1994 में एप्पल के द्वारा किया गया, सॉरी 84 में किया गया। लेजर प्रिंटर डेवलप्ड बाय हैवलेट पैकार्ड थे जिसने लेजर प्रिंटर का डेवलप किया था 1984 में। डीटीपी का फुल फॉर्म दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं जो 1985 में आया। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो 1990 के अंदर लाया गया। और CSS का फुल फॉर्म कैस्कोडिंग स्टाइल शीट होती है। PHP का फुल फॉर्म पर्सनल होम पेज होती है। और इन ये क्या है, वेब डेवलपिंग लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है मेरे दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं वेब डेवलपिंग लैंग्वेज कहते हैं। और ये वेब डेवलपिंग लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, हम डायनेमिक वेब पेज को बनाने का काम करते हैं। CSS में वेब पेज की डिजाइनिंग की जाती है, मतलब कि उसका लुकिंग वाइज परिवर्तन किया जाता है। और PHP में उसका बैकएंड की डिजाइनिंग की जाती है ना। हमारा देखो जी, कोई भी वेबसाइट होता है उसका एक होता है फ्रंट एंड जो आपको दिखाई देता है, और एक होता है बैकएंड जो आपको दिखाई नहीं देता है। चलेगा, कंप्यूटर की डेफिनेशन में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इनकी इसकी आपको विशेषताएं याद रखनी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर क्या याद रखना है, विशेषताएं आपको याद रखनी है। तो फटाफट से यार शेयर कर दीजिएगा। हाँ, आई थिंक ये 2:30 बजे तक क्लास होने वाली है। हाँ, 2:30 बजे तक यार क्लास होने वाली है। आप लोग सभी शेयर कर दो यार, ताकि सभी बच्चे यहाँ पर क्लास को अटेंड कर पाए और सभी बच्चों को चीजों इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए है ना यार। कम से कम 50 बच्चे तो क्लास में होने ही चाहिए यार, कैसे काम चलेगा है ना। 28 बच्चे यार क्लास के अंदर है, कम से कम 50 बच्चे तो होना चाहिए। एक शेयर तो मंगता है यार है ना, एक शेयर तो बनता है यार। तो फटाफट से एक शेयर कर दीजिएगा, एक शेयर तो बनता है यार। फटाफट से स्टेटस लगा दो यार और शेयर कर दो फटाफट से क्लास को है ना। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, कम से कम यार 50 बच्चे तो यहां हो जाए यार कम से कम। वर्मा जी गुड आफ्टरनून, चलेगा। हाँ, एमएस ऑफिस कल पढ़ाएंगे। एमएस वर्ड कल रहेगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कल मैं पढ़ाऊंगा आपको। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों चीजें पढ़ाऊंगा कल आपको, टेंशन मत लीजिएगा ठीक है। चलो जी, तो यहाँ आ जाइएगा बच्चों, बढ़ते हैं यहाँ पर। बात है हमारा स्पीड, और देखो जी कंप्यूटर की स्पीड एक विशेषता होती है, ऑटोमेटिक वहां कार्य हो जाता है, ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। एक्यूरेसी मतलब जो भी कंप्यूटर कार्य करता है वो शुद्धता करता है, यानी वो किसी प्रकार की गलती नहीं करता है। अगला है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सार्वभौमिकता, मतलब कि कंप्यूटर के ऐसा डिवाइस जिसका हर एक जगह, हर एक ऐसा कोई सी जगह नहीं होती है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जा सके। कम जैसे कि मनोरंजन हुआ, शिक्षा हुआ, ट्रेन हुआ, सर्विस डिपार्टमेंट हुआ है ना जी, कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लीजिएगा, वहां कंप्यूटर का यूज हो रहा है ना। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, आपको पता है। यहाँ पर डिलीजेंस, आपको पता जी डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। आपको पता है कंप्यूटर लगन से काम करता है। देखो जी, अगर कंप्यूटर की लगन नहीं होती तो फिर ये बोलता कि भैया मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, अभी मेरे को थोड़ा आराम की आवश्यकता है, अब मैं काम नहीं करूंगा। तो क्या ऐसा कोई कंप्यूटर बोलता है, जी नहीं। चाहे उसे आप 24/7 चलाते रहेगा, वो आपको मना नहीं कर सकता कि भैया मैं काम नहीं करूंगा ठीक है। चलेगा, एक क्या है, यहां बौद्धिक शक्ति नहीं होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर नो इंटेलेक्चुअल पावर, किसी प्रकार की इंटेलेक्चुअल पावर कंप्यूटर में नहीं होती है ठीक है जी। चलो जी, अब मैं यहां पर आता हूं। कंप्यूटर को साइज के आधार पर हमने देखे हैं कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि एम्बेडेड कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। मिनी कंप्यूटर जो है दोस्तों वो एक्चुअली में माइक्रो कंप्यूटर ही होता है, बट किन्हीं की छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज किए जाते हैं है ना। मेनफ्रेम कंप्यूटर एज अ सर्वर की तरह काम करते हैं, इनकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना। मैनफ्रेम कंप्यूटर के अलावा
हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अलावा और किसी की दोस्तों इस किसी को एज अ हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसी की नहीं होती है। और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, ये बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सर्वर की तरह काम करते हैं। और इनकी स्पीड जो है दोस्तों, यहाँ पर MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में इसकी स्पीड को मापा जाता है। क्या किया जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस में इसकी स्पीड को मापते हैं। फ्लॉप्स, आपको पता है यार, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है। जैसे मैन फ्रेम कंप्यूटर हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होता है, वैसे ही सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब ये फास्टेस्ट कंप्यूटर के अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है वो रिसर्च सेंटर के अंदर किया जाता है ना। और इसकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है यार, फ्लॉप्स में मापी जाती है। जैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड कहते हैं, क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसे बोलते हैं, है ना। और एक होते हैं हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, या टेबल कंप्यूटर्स उन्हें बोलते हैं, पोर्टेबल भी बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है दोस्तों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, चलेगा। तो लैपटॉप भैया आपका सिंपल पोर्टेबल कंप्यूटर होता है ना, जिसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं, है ना। टैबलेट जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर है, पाम टॉप है, पीडीए जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं, और आपको पता है स्मार्ट स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये सारे जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ला और ले जा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। जनरेशन से यार प्रश्न आ जाते हैं, जनरेशन से तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, नो दो राय, किसी प्रकार की दो राय नहीं बोल सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी वैक्यूम टी यूज हुआ था, लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी, और यह कंप्यूटर की जो मेमोरी थी वो मैग्नेटेड ड्रम थी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या थी दोस्तों, मैग्नेटिक ड्रम थी। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहाँ यूज जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज किया गया था। और यहाँ पंच कार्ड, पेपर टैग, ENISE, UNISE, ये जो कुछ कंप्यूटर है वो हमारे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। EDVSAC, EDSAC, ये सारे जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। और इन कंप्यूटर का डेवलप जो है वो जॉन मोचले एंड जे प्रास्पर के द्वारा किया गया है। ये बात आपको पता होगा, है ना, मैंने अभी हाल ही में हिस्ट्री में ये बात बच्चों पढ़ा दी है आपको। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड जनरेशन में यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। लैंग्वेज दोस्तों असेंबली लैंग्वेज है, और यहाँ पर मेमोरी मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया है। यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम शेयरिंग है, और इसका जो यूज है वो कॉमर्शियल पर्पस होता है। कॉमर्शियल पर्पस का मतलब होता है कि यहाँ 1956 से 1964 के बीच जो है वो कंप्यूटर बेचे जाने लगे थे, है ना। और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। चलेगा, थर्ड जनरेशन जो है उसमें आईसी चिप और एमएसआई, एमएसआई को फुल फॉर्म होता है मिडिल स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई। और यहाँ पर जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, और यहाँ मल्टी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग वाला बनाया गया, और इसका यूज जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन को रन करने के लिए करते हैं। बात समझ में आ रही है, जो हमारे दो या दो से अधिक एप्लीकेशन होते हैं उन्हें रन करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो दोस्तों है IBM PC। वो कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आएंगे तो एग्जाम्पल जो है वो IBM PC यहाँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चलेगा, आगे बढ़ जाएं जी, है ना। चलो जी, आगे चल जाए, चलेगा। तो हम आगे आते हैं, तो यहाँ फोर्थ जनरेशन के अंदर हम मूव कर जाते हैं। देखो जी, फोर्थ जनरेशन में यहाँ सिलिकॉन चिप का यूज हुआ है ना। सिलिकॉन चिप आप जानते हैं कि हमारे प्रोसेसर और सीपीयू होता है वो सिलिकॉन के बने होते हैं, उन्हें सिलिकॉन चिप कहते हैं। मेरे सिरो, यहाँ जो लैंग्वेज यूज हुई है वो आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। और यहाँ मेमोरी जो है वो रैम का यूज हुआ है, और यहाँ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड है। और दोस्तों इसका यूज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सिस्टम की तरह यूज किया गया है। क्या किया गया है, इस कंप्यूटर का प्रयोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह किया जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं 1989 जो है से अभी तक के फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिसके अंदर बायोचिप का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है दोस्तों? बायोचिप का यूज किया जाता है। बायोचिप का मतलब होता है दोस्तों कि इंसान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे रीड करने वाली जो चिप्स होते हैं उन्हें बायोचिप कहते हैं, है ना। और एक यहाँ पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया है। और एग्जाम्पल के तौर पर रोबोट्स और AI जो है वो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है, ठीक है। आपको ये मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए, चलेगा। अब मैं यहाँ डिवाइसेस पर आ जाता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं दोस्तों, है ना। डिवाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ा शेयर, क्लास को शेयर कर दो यार, बच्चे आ जाएं। यार बच्चे आते क्यों नहीं है पढ़ने को यार, क्या कारण है, है ना? कारण क्या, बच्चे क्यों नहीं आते यार? रामा शर्मा जी बोल रहे हैं सर सिप्टोग्राफी बता दीजिएगा। सिप्टोग्राफी कौन सी ग्राफी होती है यार, है ना? ग्राफी वाले मैं आई थिंक एक वीडियो मैंने पढ़ाया था, जितने भी ग्राफी वाले जो टॉपिक होते हैं, ग्राफी वाले जो वर्ड है वो सारे वर्ड मैं आई थिंक आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। जो वर्ड सारे वर्ड है ना, ग्राफी वाले जो वर्ड होते हैं वो सारे वर्ड पढ़ा चुका हूँ, है ना, चलेगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जितने पढ़ रहे हैं वही सही है, चलेगा। अब हम यहाँ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना, क्या बात है, है ना, सुनेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की हम बात करें तो यहाँ चार प्रकार के आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, है ना। तो सुनो जी, चार प्रकार के कौन से हैं? इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। एक होते हैं इनपुट डिवाइसेस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, अगला आउटपुट डिवाइसेस, और अगला यहां देखने को मिलते हैं दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें से मैं पहले आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, है ना। सीपीयू का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म होता है। और जो सीपीयू है दोस्तों वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है ना, आपको पता होगा। ALU जैसे कंट्रोल, सॉरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है, ना। और एक होता है यहाँ पर CU जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और एक दूसरा है दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर। क्या होता है रजिस्टर, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इन तीन चीजों से आपका कंप्यूटर, सॉरी आपका CPU बना होता है। और CPU को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी CPU को ही कहा जाता है, ठीक है। प्रोसेसर क्या बोलते हैं, सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। और ज्यादातर जो मार्केट के अंदर जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो ज्यादातर इंटेल कंपनी का यूज हो रहा है, है ना। तो इंटेल कंपनी का प्रोसेसर ज्यादा आम लोगों में यूज होता है, आम व्यक्तियों में इंटेल कंपनी का प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा है, चलेगा। अब यहां आते हैं दोस्तों, हमारे सीपीयू से रिलेटेड या प्रोसेसर से रिलेटेड दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? एक यहां होता है क्लॉक रेट और दूसरा यहां होता है क्लॉक साइकिल। देखिएगा, अगर क्लॉक रेट किलो हर्ट्ज दी है तो साइकिल 1000 सेकंड दी होगी। अगर क्लॉक रेट मेगा हर्ट्ज दी है तो साइकिल जो है वो मिलियन साइकिल्स पर सेकंड होगा। और अगर क्लॉक रेट बच्चों यहाँ गीगा हर्ट्ज दिया हुआ है तो यहाँ बिलियन साइकिल पर सेकंड होगा क्लॉक साइकिल। और क्लॉक रेट अगर ट्रिलियन साइकिल पर सेकंड दिया हुआ है तो आपका, सॉरी क्लॉक रेट जो है वो टेरा हर्ट्ज दिया हुआ है तो साइकिल जो है वो ट्रिलियन साइकिल्स पर सेकंड दी होगी। बात समझ में आ रही है? साइकिल जो होगी वो क्या होगी, ट्रिलियन साइकिल पर सेकंड आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। आई थिंक आपको समस्या नहीं होगा, चलेगा। आपको जीपीयू का भी फुल फॉर्म याद रखना है कि जीपीयू यहां पर क्या होता है, तो बताइएगा सर जीपीयू यहां पर क्या होता है, है ना, बता दीजिएगा फटाफट। तो जीपीयू जो है जिसे हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, है ना, जो सीपीयू को क्या करता है, हेल्प करता है, चलेगा। मदरबोर्ड पर बातें कर लेते हैं। मदरबोर्ड से प्रश्न आया सर, मैराथन की PDF बाय करना था, वह डाउनलोड क्यों नहीं हो रही सर मेमोरी में? जी मेमोरी में वो डाउनलोड नहीं होगी, वो ऐप पर ही रहेगी, ठीक है। जो ऐप है हमारा उसी के अंदर वो रहेगी, वो मेमोरी के अंदर डाउनलोड नहीं होगी। चलेगा, वो मेमोरी के अंदर डाउनलोड नहीं होने वाली है, वो ऐप पर ही रहेगी। क्या बात है, सुंदर प्रश्न, चलेगा। प्रश्न तो नहीं है, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है।
अच्छा जी आ जाएगा। बात हम यहां करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या करता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो अपने पास सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है। क्या बात है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जो अपने पर सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड पर जिस समय पर कोई डिवाइस कनेक्ट होता है, गौर से सुनिएगा, मदरबोर्ड पर जिस समय पर कोई डिवाइस कनेक्ट होता है उस समय को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, है ना, जिस जगह पर डिवाइस कनेक्ट होता है उस जगह को एक्चुअली में पोर्ट कहते हैं। पोर्ट अलग अलग प्रकार के अवेलेबल होते हैं, जैसे कि VGA पोर्ट, जैसे कि है ना HDMI पोर्ट, जैसे कि दोस्तों फायर वायर पोर्ट, है ना फायर वायर, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, फाइबर पोर्ट, और यहाँ पर सॉकेट पोर्ट, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं जैसे USB पोर्ट, लेकिन 99% आजकल के जो डिवाइसेस हैं वो USB पोर्ट पर कनेक्ट हो जाते हैं। आजकल के 99% जो डिवाइसेस हैं वो उन्हें USB पोर्ट अपने पर कनेक्ट कर लेता है, ठीक है चलेगा। तो जो हमारा USB पोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट इसे कहा जाता है, इस बात को आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, चलेगा। आगे आते हैं, अगला लिखा हुआ है हमारा डिवाइस जो है वो UPS है, जैसे अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, गौर से सुनिएगा, जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो बंद होते समय, है ना, जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो बंद सॉरी लाइट अगर आपकी चली जाती है और आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, तो आप चाहें कि आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो, उसके लिए एक बैटरी खरीद लेता है और उस बैटरी को UPS कहते हैं, अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई कहा जाता है, चलेगा। आगे आते हैं CMOS पर बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए किया जाता है। जो हमारा कंप्यूटर है उसकी अगर आपको बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट कराना है तो वहां किसका यूज करते हैं, UPS अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई का वहां पर प्रयोग कर दिया जाता है ना, चलेगा। सॉरी कंप्यूटर को अगर बूट कराना है तो वहां CMOS का यूज होता है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का प्रयोग करता है। वहां आपकी क्लॉक से रिलेटेड चीजें भी स्टोर होती हैं, वहां CPU से रिलेटेड चीजें भी स्टोर होती हैं, ठीक है। CPU की जितनी भी चीजें हैं वो आपको वहीं पर स्टोर होती है और कंप्यूटर को बूट कराने का काम भी उसी के अंदर स्टोर होता है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं जिन्हें अभी हाल ही में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहां पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम में प्रश्न आता है। आप लोग दो मिनट में, एक मिनट में मैं आ रहा हूं, तब तक आप लोग शेयर कर डालिए। चलेगा, चलो सुंदर बात। तो यहां देखिएगा, कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कीबोर्ड है दोस्तों उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब वो कीबोर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ दोस्तों, है ना, वो कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कीबोर्ड से आपको की से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कीबोर्ड से कहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों, की से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं यहां आपको बताऊं, यहां से यहां तक की जो सारी कीज होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शन की कहते हैं, ठीक है।
ये सारी जो कीज है ऐप वन से लेकर ऐप ट्वेल्व तक की सारी कीज होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें फंक्शन की के नाम से जान लिया जाता है या फिर इन्हें फंक्शन की बोल दिया जाता है। इसे ईएससी की कहते हैं। इसके माध्यम से आप का कोई प्रेजेंटेशन आपने रन कर रखा है या प्रेजेंटेशन को आप शो करा रखा है तो उसे वापस उसे बंद करने के लिए हम ईएससी का की का यूज करते हैं, है ना, चलेगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्स लॉक की हुआ, है ना, स्क्रॉल लॉक की हुआ, नम लॉक की हुआ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हें एक्चुअली में टॉगल की कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, टॉगल की कहते हैं, ठीक है। कौन सा, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीन कीज जो होती हैं इन्हें टॉगल की कहते हैं, चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर होता है देखो जी, होम एंड पेज अप पेज डाउन ये कीज होती है, और लेफ्ट बॉटम राइट ये चीज होती है, इन्हें हम स्क्रॉल की भी कहते हैं, इन्हें हम नेविगेशन की कहते हैं, ठीक है, इन्हें नेविगेशन की कहा जाता है। नेविगेशन का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से दर सुधर मूवमेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, नेविगेशन की कहते हैं। बात समझ में आ रही है, चलेगा। नेविगेशन की में जो है कभी कभार पूछा जाता है कि बताइएगा इनमें से कौन सी की जो है वो नेविगेशन की का हिस्सा नहीं होती है, तो इनमें से देखो जी, है ना, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये एरोज हैं, ये सारी नेविगेशन कीज होती हैं। इसके अलावा और कोई नेविगेशन की नहीं होती है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, टैब की के बारे में आपको पता है, जब आप टाइपिंग करते हैं तो 0.5 का स्पेस देने के लिए यहाँ टैब की का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, टैब की आप जानते हैं। एंटर की का आप यूज जानते हैं दोस्तों, कोई पैराग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ एंटर की का प्रयोग करते हैं, है ना। अब यहाँ आते हैं दोस्तों कुछ कीज है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, इनको कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कॉम्बिनेशन की समझ रहे हो, है ना, ऐसी कीज जो क्या करती है, एक दूसरे के साथ में ही यूज होती है, अकेले ये कीज यूज नहीं की जा सकती, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की कहते हैं। जैसे कि कंट्रोल के साथ आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ भी आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, अल्ट के साथ भी आप कुछ ना कुछ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप ओनली कंट्रोल, ओनली शिफ्ट, ओनली इनसे अकेला काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। और ये जो है इसे विंडो कीज कहते हैं, और विंडो की को जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ ऑल प्रोग्राम वाला विंडो ओपन हो जाता है। जो ऑल प्रोग्राम होता है दोस्तों वो विंडो यहाँ ओपन हो जाता है। मार्केट में कीबोर्ड तीन प्रकार के मिलते हैं, एजाइटी, डेवलप, डिवोरक और एक है क्वालिटी। ये तीन प्रकार के कीबोर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देख लिया जाए कि बताओ भाई किस प्रकार के कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। हो सकता है शायद ऐसा आ जाए, बट मैं यहाँ आपको दो तीन याद रखने के लिए बोलूंगा। एक तो होता है 101 की का याद रखिएगा, और एक 104 कीज का याद रखिएगा, और बाकी का यहाँ सब इनरेलीवेंट फैक्ट है, बाकी का कुछ यहाँ अवेलेबल है नहीं, चलेगा। अच्छा जी, आते हैं और बढ़ते हैं यहाँ माउस की ओर, है ना। माउस आपको पता है दो प्रकार का होता है यार, जिसके चार प्रकार के काम होते हैं, क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी होते क्या है मैं इन पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को रिवीजन कराना है, ठीक है। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के लिए करते हैं। लाइट पेन का प्रयोग दोस्तों लाइट पेन का प्रयोग जो होता है वो एक्चुअली में, है ना, लाइट पेन का जो यूज होता है वो एक्चुअली स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए किया जाता है। जो स्क्रीन होती है ना वहां अगर कुछ लिखना है तो वहां किसका यूज होता है, लाइट पेन का यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल का यूज, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों, ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है वो भी एज अ माउस की तरह होता है, है ना, लेकिन माउस की तरह ही ट्रैक बॉल होता है, बट उसमें एक बॉल लगा होता है जिसके माध्यम से यूज करते हैं। इसके अंदर आपको पता है दोस्तों हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है ना, आपको पता है, चलेगा। तो मैं यहां बढ़ता हूं और आगे डिवाइस पर बढ़ता हूं, पॉइंटिंग डिवाइसेस, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। क्या प्रश्न आ सकता है पॉइंटिंग डिवाइस से, चलेगा। तो माउस, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सारे जो हैं इन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। चलो जी, लाइट पेन का प्रयोग CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में मैं करते हैं, और रडार में भी करते हैं, और सोनार में भी बच्चों इसका उपयोग किया जाता है, चलेगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, जॉयस्टिक का यूज किया जाता है ना। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, वहां पर कौन सा था मेरे बच्चा, यहाँ इधर आ जाइएगा जी, यहाँ क्या था, बढ़ते हैं आगे और यहाँ बता दें, हाँ,
ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया, गेम खेलना, रोबोट सेंटर पर जाना, अल्ट्रासाउंड करना, आई टेस्ट करना, सीए करना, डीए करना, ये जो काम होता है वो जॉयस्टिक का होता है ना, चलेगा। लाइट पेन, इसका प्रयोग डिजिटल सिग्नेचर, पीडीएफ और मानचित्र पर विशेष मार्क्स लगाने के लिए करते हैं। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं, पीडीएफ पर पीडीएफ में यूज करना चाहते हैं, मानचित्र पर आप विशेष सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, तो इन कामों के लिए आप क्या करते हैं, लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों टच स्क्रीन आपको पता है, टच स्क्रीन तो हर एक जगह यूज की जा रही है, जैसे मोबाइल फोन हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इन हर एक जगह एटीएम वगैरह के अंदर टच स्क्रीन का यूज होता है। और आई थिंक शायद हो सकता है आपको टच स्क्रीन के बारे में ना पता हो सकता है शायद टच स्क्रीन के प्रकार के बारे में नहीं पता हो। तो अगर आपसे पूछा जाए टच स्क्रीन में कितनी लेयर होती हैं, तो दोस्तों टच स्क्रीन में दो लेयर होती हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइएगा टच स्क्रीन में लेयर कितनी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर टच स्क्रीन में दो लेयर होती है। और टच स्क्रीन के प्रकार के बारे में पूछा जाए, तो दोस्तों यहाँ टच स्क्रीन के प्रकार जो है वो यहाँ हैरान करने वाले हैं, पांच प्रकार की टच स्क्रीन होती हैं, ठीक है, चलेगा। लेकिन हम तो टच स्क्रीन जानते हैं यार, रेसिस्टिव टच का मतलब क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। रेसिस्टिव टच का मतलब ये होता है मेरे बच्चा, है ना, ये एक टच स्क्रीन का प्रकार है। सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन का प्रकार है। SAW टच, ये भी आपके इस ओ हाउ SAW टच, ये भी आपके टच स्क्रीन का प्रकार है। प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव, ये भी टच स्क्रीन का प्रकार है। इंफ्रारेड टच स्क्रीन, ये भी बच्चों टच स्क्रीन का प्रकार है, ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, जब तक आप यहां पर ये पढ़िएगा, दो मिनट में, एक मिनट मेरे को लग रहा है मैं आ रहा हूं दोस्तों, यहां पढ़िएगा आप, ये पढ़िएगा, एक मिनट मेरे को लग रहा है मैं आ रहा हूं, एक मिनट। चलेगा, बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, गौर से देखिएगा बातों को, जो यहाँ मेरी, देखो जी, यहाँ जो स्कैनर होता है ना, स्कैनर की हम बात कर रहे थे। व्हाट इज स्कैनर, स्कैनर क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। स्कैनर क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी को, है ना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो हार्ड कॉपी होती है उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम एक्चुअली में स्कैनर का ही होता है। यहाँ स्कैनर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो सुनिएगा, यहाँ बात करते हैं, फ्लैट बैड स्कैनर होता है, जो कि जिसका प्रयोग एक्चुअली में एज अ फ्लैट बैड की तरह किया जाता है। सीट फैट स्कैनर भी होता है, जो एज अ सीट की तरह यूज किया जाता है। एक होता है ड्रम स्कैनर, जो एज अ ड्रम की तरह यूज किया जाता है। और एक होता है प्रोडक्शन स्कैनर, प्रोडक्शन स्कैनर का मतलब क्या होता है, जो एज अ प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर मतलब ऐसा स्कैनर जो हाथ में पकड़कर रहता है, होल्ड होके रहता है ना, हाथ में होल्ड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। कोई समस्या आ रही है दोस्तों, हैंड हेल्ड स्कैनर में कोई दिक्कत तो नहीं है,
चलेगा। वीसीआर का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वीसीआर क्या होता है पहली वाली बात तो है ना, चलेगा। वीसीआर जो है वो बारकोड रीडर होता है। अब एक्चुअली अगर आपने मार्केट के अंदर देखा हो, मार्केट में जब आप मॉल में जाते हैं या फिर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो वहां एक इस प्रकार का डिवाइस होता है और आपके प्रोडक्ट पर इस प्रकार का कोड होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, होता है ना जी, इस आपके प्रोडक्ट पर, इस प्रकार का आपके प्रोडक्ट पर कोड होता है, ठीक है जी। देखो जी, इस प्रकार का आपके कोड होता है, दिखाई दे रहा है आपको मेरा बच्चा, यहाँ इस प्रकार का आपके पास एक कोड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बार कोड कहते हैं। बार कोड के साथ साथ में इसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, यूपीसी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है कि बताओ भाई यूपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसमें कितने होते हैं, टोटल 12 अंक होते हैं, जिसमें से पहले 6 अंक जो है वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब बना, कैसे हुआ, वो होता है, चलेगा। लास्ट के जो 6 अंक होते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, लास्ट के जो 6 अंक होते हैं मेरे बच्चा, वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, ये बताने का जो काम है वो लास्ट के 6 डिजिट बताते हैं, चलेगा। इसका प्रयोग जो है वो सुपर मार्केट के अंदर यूज किया जाता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में होता है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस वगैरह में इसका यूज होता है, चलेगा। अच्छा जी, आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे क्या कहते हैं, MICR कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों, MICR भी एक डिवाइस है ना, लेकिन इसका यूज जो होता है वो बैंक के अंदर किया जाता है। अब इसका यूज बैंक के अंदर क्यों होता है, क्योंकि बैंक के अंदर जो चेक होते हैं, उन वन बाई वन चेक को पढ़ना, वन बाई वन चेक को समझना, देखने में थोड़ा क्या होता है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और बैंक के अंदर बहुत सारे चेक आते हैं, और अगर कोई इंसान उस चेक को वेरीफाई करता है, काम करता है, नंबर देखता है उसका, तो बहुत टाइम लगता है और पूरे दिन में बहुत कम चेक हो पाते हैं, है ना, चेकों को डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्तों, चेक के अंतर्गत एक मशीन होती है, जो मशीन के द्वारा अंदर चेक डालते हैं और चेक की सारी इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम में आ जाती है, इसलिए बहुत सारे चेक कम समय में बैंक द्वारा उनका कार्य कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, MICR कोड, MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, और इसका प्रयोग बैंक के अंदर ही किया जाता है, जिसमें कितने डिजिट होते हैं दोस्तों, 9 डिजिट इसके द्वारा पढ़े जाते हैं, है ना। इसमें से 3 डिजिट होते हैं वो सिटी कोड को बताते हैं, अगले 3 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच कोड को बता, बैंक कोड को बताते हैं, और अगले 3 डिजिट होते हैं जो ब्रांच कोड को बताते हैं। देखो जी, सिटी का मतलब है दोस्तों कि ये जो आपका चेक है, जैसे मैंने आपको चेक दिया, अब ये चेक जो है वो किस शहर का है, शिवपुरी का है, ग्वालियर का है, इंदौर का है, किस शहर का वो चेक है, तो ये पता करता है आपका पहला वाला डिवाइस। बात समझ में आ रही है, चलेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें, अगला ये जो डिवाइस है ना, अगला जो, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, डिवाइस नहीं, अगला ये जो नंबर है वो नंबर दिखाता है कि आपका बैंक कौन सा है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, किस कौन सा आपका बैंक है, ये बताने का इसका काम होता है। और ब्रांच कोड से क्या पता चलता है दोस्तों, कि आपका ये बैंक तो है बट किस ब्रांच का है, क्योंकि आपको पता है एक शहर में एक से अधिक, एक ही बैंक की एक से अधिक शाखाएं हो सकती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच कोड कहते हैं, और इसका प्रयोग चेक का यूज करने करते हैं। चलो जी, OMR, आपको पता है यार, पहले जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, गौर से सुनिएगा, पहले जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे तो वहां OMR एक सीट होती थी इस प्रकार की, है ना, जैसे कि यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। देखो जी, इस प्रकार की OMR सीट होती थी, इस प्रकार की, ठीक है, जो दिखाई दे रही है। अब इन OMR सीट पर किया क्या जाता था, कि यहाँ जो भी सही आंसर होता था उस सही आंसर को कैलकुलेट वहां ब्लैक कलर के माध्यम से, या ब्लैक या ब्लू कलर के माध्यम से, या ब्लैक कलर के माध्यम से उसे सर्किल करते थे उस आंसर पर। तो इनके दो पेन के माध्यम से जो बॉक्सेस पर जितने सर्किल बनते हैं OMR सीट के अंदर, उन्हें रीड करने के लिए एक्चुअली में इस डिवाइस का यूज करते हैं OMR।
सीट का, जो 2000 से लेकर 10000 प्रतियां एक घंटे में कंप्लीट कर देती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ डिवाइस है वो है ओसीआर, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। देखो जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, और जैसे कि देखो जी, ये न्यूज़पेपर है यानी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है आप इस डिवाइस के माध्यम से उसे किसी फाइल में टाइप कर पाते हैं, है ना, जो फाइल होती है उसमें आप टाइप कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, जो डिवाइस होते हैं किसी फाइल में बच्चों आप इसे टाइप कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ओसीआर किसे कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उसे कहा जाता है, ठीक है। जो हार्ड कॉपी को क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, जितनी भी हार्ड कॉपी आपके दी होती है उन्हें सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है, चलेगा। नेक्स्ट यहां पर जो डिवाइस हमारा बनता है वो दोस्तों होता है, दोस्तों यहाँ वैप कैमरा, या फिर इसी को हम बोलते हैं डिजिटल कैमरा, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे बच्चे इसको, इसी को कहा जाता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक यहाँ पर जो है वो फोकस लाइट होती है, ठीक है, फोकस लाइट होती है, मतलब डिजिटल कैमरे से जो आप फोटो खींचते हैं वो फोटो की क्वालिटी किस किन चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो फोकस लाइट पर डिपेंड करती है, एक बच्चों यहाँ पर शटर स्पीड पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं, शटर स्पीड पर। दूसरा यहाँ जो डिपेंडेंट होता है दोस्तों वो लेंस होता है, अगर लेंस अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो भैया कैमरे से जो फोटो होगा वो अच्छी क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सेल्फी लेते हैं तो आपकी सेल्फी का अगर कैमरा अच्छा है, आपके सेल्फी वाले कैमरे में अगर अच्छा लेंस लगा हुआ है तो आपकी सेल्फी अच्छी आएगी, अदरवाइज आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आएगी, स्वाभाविक सी बात है। और फोकस लाइट मतलब होता है फॉक्स, जब आप फोटो खींचते हैं तो वो फॉक्स पड़ता है एकदम से, तो उसके माध्यम से भी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती है। शटर स्पीड आप ये जानते हैं सेटिंग होती है जिसके माध्यम से आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर की क्वालिटी को, है ना। बायोमेट्रिक सेंसर का मतलब होता है ऐसे सेंसर जो शारीरिक आइडेंटिटी को पहचानते हैं, सेंसर का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, या हाँ आइडेंटिफाई करना ही होता है, और बायोमेट्रिक मतलब की शारीरिक, है ना, चलेगा। तो बायोमेट्रिक सेंसर कौन कौन से होता है, फिंगरप्रिंट जिससे आपके फिंगर के बारे में पता लगता है, फेस जिससे आपका फेस को मैच किया जाता है, आयरिस जिससे आंखों की जो रेटिना है, आंखों के अंदर जो यूनिकनेस होती है प्रत्येक व्यक्ति की, उसको इसके द्वारा मैच की जाती है, है ना। इसका उपयोग जो है संगठनों संस्थाओं में कर्मचारी और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने में करते हैं, है ना। आपको पता है इस प्रकार का एक डिवाइस लग गया आजकल बहुत सारे कॉलेज में। पहले क्या होता था यार, प्रेजेंट की आवश्यकता नहीं होती थी, कॉलेज वाले ही प्रेजेंट लगा देते थे, बट अब क्या कर रहा है, प्रेजेंट जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक प्रेजेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक बायोमेट्रिक सेंसर है। और आपको पता है इस प्रकार का एक बैंक के अंदर डिवाइस होता है, या फिर आप लोगों ने कभी एटीएम में एटीएम को स्वाइप करा हो, जब एटीएम के अंदर जब आप एटीएम स्वाइप करते हैं तो एक मशीन लगी होती है जिससे आप एटीएम स्वाइप करते हैं, उसी को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर कहते हैं, ठीक है। चलो जी, ग्राफिक्स टैबलेट से भी प्रश्न आया था कि बता भाई डिजिटाइजर को किस नाम से जानते हैं, तो ग्राफिक्स टैबलेट के नाम से जानते हैं, इस प्रकार का टैबलेट होता है। और यहाँ ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और ये करता क्या है, माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, जैसे माउस जैसे मूवमेंट करता जाता है वैसी चीजों को बनाता जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग CAD और CAD फुल फॉर्म आता भाई CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM और CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये दो फुल फॉर्म आते हैं, कई बार फुल फॉर्म आते हैं मेरे बच्चा, चलेगा। आउटपुट डिवाइस में मुझे एक ही टॉपिक आपको पढ़ाना है और उस टॉपिक का नाम है बच्चा प्रिंटर। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है दोस्तों, हाँ मॉनिटर की भी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, आई थिंक मॉनिटर की भी फुल फॉर्म याद रखिएगा जी, है ना, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, सॉरी CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, और यहाँ LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एक होता है OLED जिसे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है ना, कोई दिक्कत, चलेगा, है ना। हमारे मॉनिटर की कुछ विशेषता होती है पिक्सल, देखो मॉनिटर के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा होता है, क्या होता है, मॉनिटर के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे पिक्सल कहते हैं, चलेगा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है वीडियो की
क्वालिटी, जो वीडियो होता है ना उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलेगा। रिफ्रेश रेट क्या होता है दोस्तों? आपके पिक्सल्स का इधर उधर मूवमेंट करना एक्चुअली में रिफ्रेश रेट कहलाता है। डॉट पिच का मतलब होता है दो पिक्सल के बीच की दूरी, जो हमारे दो पिक्सल्स होते हैं उनकी बीच की दूरी को बच्चों डॉट पिच कहते हैं, है ना। और यहाँ बिट मैपिंग का मतलब होता है पिक्सल्स का जो मूवमेंट होता है उसे बिट मैपिंग कहते हैं। अब यहाँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा दोस्तों प्रिंटर का। प्रिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ आता है और प्रिंटर से प्रश्न भी बहुत सारे आएंगे, तो मैं यहाँ लिख के तो आपको नहीं बता रहा हूं, बट आप ना मैं यहाँ बोल रहा हूं तो आप जरूर सुन लीजिएगा प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर से किस किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। दोस्त सुनिएगा, तो प्रिंटर जो है दोस्तों, एक तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि प्रिंटर को कितने आधार पर बांटा गया है। तो प्रिंटर को दो आधार पर बांटा गया है, एक अकॉर्डिंग टू स्पीड के आधार पर, दूसरा अकॉर्डिंग टू टेक्निक के आधार पर, है ना। स्पीड के आधार पर आपके प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, है ना, आपका कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ठीक है। चलो जी यहां पर देखो जी, इसे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निक के आधार पर प्रिंटर को अगर बांटा गया है तो यहां से गौर से सुनिएगा जी, जो हमारा प्रिंटर है देख लो जी, है ना, जो हमारा प्रिंटर है ना इसको दो आधार पर बांटा गया है। एक बांटा गया है मेरे बच्चा टेक्निक के आधार पर, ठीक है, और एक बांटा गया है स्पीड के आधार पर। स्पीड के आधार पर एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, और तीसरा यहाँ होता है पेज प्रिंटर। और दोस्तों हमारी टेक्निक के आधार पर प्रिंटर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है दोस्तों यहाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन का यूज होता है उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन का यूज नहीं होता है उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों भैया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ डेजी बिल प्रिंटर, जिसके पास नोट्स होगा वो देख पा रहा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी बिल प्रिंटर, और एक यहाँ आता है दोस्तों ड्रम प्रिंटर, और एक यहाँ होता है बैंड प्रिंटर, और दूसरा यहाँ प्रिंटर आता है वो होता है दोस्तों चैन प्रिंटर। ये हमारे इम्पैक्ट कैटेगरी के प्रिंटर होते हैं। चलो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी के जो प्रिंटर हैं उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आता है वो होता है लेजर प्रिंटर, देन इसके बाद बच्चों यहाँ बढ़ता है थर्मल प्रिंटर, है ना, और इसके बाद आता है दोस्तों इंक जेट प्रिंटर, और अगला आता है 3D प्रिंटर, अगला आता है बच्चों LCD और LED प्रिंटर, ठीक है, और नेक्स्ट यहां से देखने को मिलता है ऑल इन वन प्रिंटर, ठीक है। ऑल इन वन मतलब ऐसे प्रिंटर जिनके अंदर स्कैनर का भी काम होता है और जिनके अंदर, है ना, प्रिंटिंग का भी काम होता है, दोनों प्रकार के काम होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअली में ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। चलेगा, अब हम यहाँ आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर में। तो कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड है वो CPS में मापते हैं, यानी कैरेक्टर पर सेकंड में मापते हैं। लाइन प्रिंटर की स्पीड को LPM में मापते हैं, यानी लाइन पर मिनट में मापते हैं। और पेज प्रिंटर की स्पीड को दोस्तों PPM में मापते हैं, है ना, यानी पेज पर मिनट में मापते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, है ना। यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर में दो प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेसीबल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत जो आने वाले प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर, चैन, बैंड, ड्रम। ये तीन चार प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जितने भी बचे सारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं वो पेज प्रिंटर कहलाते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, है ना, 3D प्रिंटर, LCD, LED प्रिंटर और ऑल इन वन प्रिंटर। ये सारे प्रिंटर जो होते हैं वो पेज प्रिंटर की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर लेजर प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है मेरे बच्चा, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बफर। आपको कल की आई थिंक आपको कल FLT के अंदर ही आपको देख किया होगा बफर। बफर का काम क्या होता है तो सुनो जी, बफर आपकी बफर वो इन्फॉर्म, बफर एक मेमोरी होती है और यह है उस इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ स्टोर करके रखती है जो इंफॉर्मेशन प्रिंटर से रिलेटेड होती है, मतलब प्रिंटर के द्वारा जो फाइलें प्रिंट की जा रही होती हैं, प्रिंटर के द्वारा जो फाइलें प्रिंट की जा रही होती हैं उन फाइलों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करके करके रखने का जो काम होता है वो बफर होता है। चलेगा, हेलो, हाँ
मैं पढ़ा रहा हूं, बोलो। हाँ अभी चले गए अभी, क्यों भाग है आशिक नो काजल नो है वो नो। हाँ तो अच्छा अभी हाल चले गए वो का, मैं पढ़ा रहा अभी लगा रहा था मैं। हाँ ठीक है चलो जी, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। देखो तो बात यहां क्या है, सुनो जी, तो यहां बफर समझ में आ गया आपको। चलेगा है ना, चलेगा। तो बफर यहां आपको समझ में आ गया होगा कि बफर क्या होता है, चलेगा। तो